पर मनोज वासु नाम के दो राजपुर समाज के युवकों की सरेआम गाड़ी सड़ाकर हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद यहाँ पर शासन प्रशासन द्वारा पिछले दो दिनों से परिजन सहित 36 कौम के लोग धरने पर बैठे हैं, उनकी सुन नहीं रहा है। और सर्वप्रथम तो मैं इस बात को बताना चाहूंगा कि दो दिन पहले मनोज द्वारा पुलिस को एप्लीकेशन दी जाती है, एक रिपोर्ट दी जाती है, उसमें कहा जाता है कि मेरी जान को खतरा है, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए, और बकायदा उसकी रिसिप्ट मनोज के पास। उसके बाद भी पुलिस ना तो उसको सुरक्षा दे पाती है और ना ही उसकी जान को बचा पाती है। और मरने के बाद भी अभी तक पुलिस द्वारा एक भी आरोपी को गिरफ्तार न करना दर्शाता है कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन भी इसमें मिला हुआ है, और पूरा बीकानेर का प्रशासन इस मामले में कहीं न कहीं उनके मिले होने की आशंका जताई जा रही है। राजपुरी समाज जो आज बैठा है या और भी जो लोग बैठे हैं, क्या डिमांड्स क्या है आपकी? हमारी प्रमुख डिमांड है जो इस हत्या में शामिल है, चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, सर्वप्रथम तो उनको गिरफ्तार करें, और सेकंड जो है इस परिजनों को जो दोनों के उनको सरकारी नौकरी दी जाए, उसके बाद 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, और जो पीछे इनके परिवार के जन बैठे हैं उनको सुरक्षा की गारंटी दी जाए, उसके बाद कोई दूसरी बात होगी। अन्यथा जब तक न्याय नहीं मिलता हम मजबूती से डटे रहेंगे, और कल ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ पूरे 36 कौम के लोग इकट्ठा होंगे और इनको जवाब देंगे कि न्याय के लिए हम कैसे लड़ते हैं। ये सब उठाया या नहीं उठाया अभी तक? नहीं, सब अभी तक यही है। जब तक हमारी सहमति नहीं बनती तब तक हम सब नहीं उठाएंगे। थान सिंह नाम है मेरा, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बालोतरा संयोजक हूँ।